है और उनसे कुछ बेहतर न्यूमरोलॉजी के टिप्स समझ ही रहे हैं। और इस टिप्स में एक होता है नंबर का बदलाव। कई बार आपने देखा होगा कई लोग अपना बैंक अकाउंट का नंबर बदलते हैं, या ये लोग चर्चा करते हुए देखते हैं कि यार मेरा बैंक अकाउंट ये नंबर लकी नहीं है, या मेरी गाड़ी ये नंबर लकी नहीं है। और आप बिलीव करेंगे, कई लोग तो मकान नंबर, गाड़ी नंबर, फोन नंबर बकायदा एक ही रखते हैं। उनका ऐसा मानना है कि ये नंबर बड़ा लकी है, या तो अपने डेट ऑफ बर्थ होती है, या तो होता क्या है कि वो उनके माता पिता की डेट ऑफ बर्थ होती है, या कुछ एक ऐसा नंबर होता है जो उनके बेटे या उनकी बेटी के किसी जन्म तारीख से जुड़ा हुआ होता है। तो इन नंबरों से क्या फर्क पड़ता है? क्या नंबर बदलाने से क्या हमारे बैंक अकाउंट की तस्वीर यानी कि फाइनेंशियल स्ट्रेंथ आ सकती है? क्या मैं गाड़ी का नंबर में थोड़ा भी बदलाव करूं तो क्या मैं ज्यादा बेहतर तरीके से जी सकता हूं? एक और चीज, क्या मैं अपने मोबाइल नंबर से भी अपने लाइफ में कभी फर्क ला सकता हूं? इसका एक लाइव एग्जांपल हमारे साथ है जो शीतल जी ने उनके साथ एक्सपेरिमेंट किया। ये प्रयोग भी है और ये सहयोग भी है। और हमारे साथ योगेश जी जुड़ चुके हैं। योगेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। शीतल मैम से हमने करीब 12 एपिसोड हो गए जो हम धीरे धीरे करके सीख रहे हैं, और हमको बहुत इसका अच्छा फायदा मिला एज अ लर्निंग, एज अ कन्विक्शन कि यस न्यूमरोलॉजी में ऐसी शक्तियां, ऐसी चीजें हैं कि जिससे हम अपने लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव लेके आ सकते हैं। योगेश जी, मैं एक बेसिक चीज आपसे पता करना चाहता था। आप कहाँ पे थे, क्या बदलाव किया, कहाँ पे पहुंच गए? यस सर, डेफिनेटली माई सेल्फ योगेश कुदम, चेयरमैन इजन वर्ल्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज। बेसिकली मैंने स्टार्ट किया था, एक्चुअली हम लोगों ने फेसबुक पे देखा था कि शीतल जी के काफी सारे पोस्ट आते थे। हम लोगों ने देखा कि सच में न्यूमरोलॉजी काम करती है या नहीं करती है। एक अच्छा, बार वो असल में पूना में हमने जब आए थे, फेसबुक पे देखा था शीतल जी को पहली बार, जैसे आपने फेसबुक पे देखा ना, पहली बार फेसबुक पे देखा। हाँ जी, बताइए सर। तो वो जब पूना में आए थे, उनका एक प्रोग्राम था यहाँ पे पूना में, ट्रेनिंग सेशन था। हम लोगों ने बोला चलो ट्राई करते हैं, हम लोग जाके देखने में क्या फर्क पड़ता है कि सच में न्यूमरोलॉजी काम करती है या नहीं करती है। उस टाइम के जो माहौल था या उस टाइम की जो सिचुएशन थी वो तो काफी क्रिटिकल थी। कौन सा भी अच्छा बिजनेस चल नहीं रहा था, काफी सारे चैलेंजेस आ रहे थे। हम लोग मेहनत तो कर रहे थे लेकिन सक्सेस नहीं मिल रहा था। जब भी हम उनको मिले, उन्होंने कुछ बेसिक चीजें बताई कि सर सच में क्या होता है, क्यों प्रॉब्लम्स आते हैं। तो वो सब चीज डिस्कस करने के बाद में हम लोगों ने न्यूमरोलॉजी का उनका जो पार्ट था वो पूरा समझ लिया। और उसके बाद में उन्होंने जो बना के दिया था हमको कि सर ये गाइडलाइंस आप फॉलो करो, उसके बाद में जो चेंजेस होते हैं आप मुझे बोलो। तो अच्छा बोले यार सच योगेश में जी, ऐसे ये नंबर। जब आप उस समय मुश्किल में थे, क्या उस समय न्यूमरोलॉजी में आप विश्वास करते थे, या फिर ये टेस्ट करने के तौर पर था कि ठीक है भैया, मुसीबत में होता है तो आदमी हर किसी से राय भी लेता है, हर किसी से सुझाव भी लेता है। आप विश्वास करते थे न्यूमरोलॉजी में उस समय? नहीं, उस टाइम में तो मैं किसी के ऊपर भी बिलीव नहीं था। तो बिलीव था अपने ऊपर ही, भाई हम लोग करेंगे तो ही होगा। ये ऐसा अगर कुछ नंबर चेंज करके कुछ हो सकता है, ये सब हाँ इधर उधर का काम लगता है। लेकिन उस टाइम में काम भी नहीं था और काम बन भी नहीं रहता। बोले चलो टाइम पास तो करके आते, मैडम तो मिल के आते। हाँ ठीक उसके है। बाद में हम लोग कनेक्ट हो गए कि चलो एक बार मिल के देखेंगे प्रैक्टिकल इसमें क्या होता है। उन्होंने जो सजेशन दिए कि सर ये चेंज करके देखो, अगर कुछ इम्प्लीमेंट नहीं होता है या कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, हम उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। उसके आप दो सजेशन मेरे को बता सकते हो कि शीतल जी ने आपको क्या दो सजेशन दिए थे? सबसे पहले तो उन्होंने मेरा नाम में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज की मेरी साइन चेंज करवा दी। अच्छा, साइन चेंज करवाई। साइन चेंज करवा दी। और बाद में उन्होंने सजेशन किया कि सर अगर हो सकता है तो आपका मोबाइल नंबर चेंज करो, गाड़ी का नंबर चेंज करो। उस टाइम ऐसी सिचुएशन थी कि भाई जो है गाड़ी उसमें डीजल डालने के लिए पैसा नहीं, नंबर कहाँ से चेंज करेंगे। तो ये सिचुएशन से हम लोग जा रहे थे। उसके बाद में मैडम ने जो लिस्ट दी बना के, तो चलो एक बार इसको फॉलो तो करके देखते, अपने टाइम काफी है, एक बार फॉलो कर लिया। जो मैंने आपने नया कितना ऑफिस परसेंट किया था फॉलो पूना किया? में, आपने 100% फॉलो किया, या फिर अमूमन हर आदमी की तरह ऐसा होता है कि ठीक है आधी चीजें मानी और आधी चीजें नहीं मानी?
जो अपने को कंफर्ट जोन में आ गया वो तो हो गया, जो अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा भी दाएं बाएं था उसको छोड़ दिया। वैसे ही होता है ना, एक बार अपने को रिजल्ट आना लगते हैं तो हम उसको फॉलो करना कम करते हैं, कम करते थे। लगभग 78% हम लोगों ने फॉलो किया उसको, जो मैडम ने हमको दिया था बना के, भाई ऐसा ऐसा है। मैंने सबसे पहला काम किया, मेरा साइन चेंज कर दी, अनकट में साइन चेंज कर दी, बैंक अकाउंट में साइन चेंज कर दी। जैसे ये चेंजेस करना चालू कर दिया उसके बाद सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज थी, लेफ्ट हैंड के ऊपर 24 लिखा है तो अपने ऑफिस का हर एक रिपोर्ट लगाना है। जो छोटी मोटी चीजें थी जो इजी नहीं हो सकती थी उसको हम लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन करना चालू कर दिया। तो हमारी कंपनी थी उस टाइम सीजन वेल सॉलिड है, हम लोग कॉर्पोरेट लेवल की मेंबरशिप देते थे। जैसे हमारा ये बिजनेस चल रहा था, लेकिन जितना सक्सेस चाहिए जितना रिजल्ट चाहिए उतना आ नहीं रहा। तो अभी प्रैक्टिकली देखा जाए, उस टाइम में मैंने मोबाइल नंबर चेंज किया, साइन चेंज की, एक महीने के अंदर हमको काफी सारे गुड न्यूज आने चालू हो गए। उसके बाद में मेरी दूसरी कंपनी फॉर्म हो गई सीजन वर्ल्ड कॉर्पोरेशन, उसके बाद में सीजन वर्ल्ड डेवलपर्स में हम लोग चले गए। लास्ट मंथ में हम लोगों ने सीजन वर्ल्ड अर्बन निधि लिमिटेड बैंक का भी स्टार्टअप चालू कर दिया नए ऑफिस से। और जैसे कि बोला जाता है कि सच में नंबर्स काम करते हैं क्या, मेरे पूरे मोबाइल नंबर देखेंगे आप सबका जो इक्वल है वो 6 है। उसके बाद में मेरा जो गाड़ी का नंबर है, जो नई गाड़ी ली मैंने, उनका भी नंबर इक्वल करेंगे आप तो 6-7 है, 7575 करके मेरी दोनों गाड़ी है। अकाउंट नंबर भी मैंने मेरे मोबाइल नंबर के हिसाब से चेंज करवा के लिए, मेरा अकाउंट नंबर टोटल भी 6-7 है। ये सब चीजें चेंज करने के बाद में धीरे 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 बैंक बैलेंस भी बढ़ने लगा। लास्ट 2 साल से हम लोग कनेक्टेड मैडम के साथ में, 2 साल का हमारा टर्नओवर अगर देखा जाए तो नियर अबाउट हम लोग 36 करोड़ का टर्नओवर हम लोगों ने लास्ट 2 साल में कम्प्लीट किया है इस न्यूमरोलॉजी को लेके। तो काफी सारा रिजल्ट हमको आया, नॉट ओनली मी, मेरा पूरा जो ग्रुप है, मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, सब लोगों का न्यूमरोलॉजी मैंने करवा के लिया है और सबके काफी अच्छे रिजल्ट हम लोग यहाँ पे अभी ले रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, आपका एक्सपीरियंस सुन के। हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं योगेश जी, और हम यही चाहते हैं कि आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। और शीतल जी का भी हम आपके बिहाफ से भी हम भी उनको एक थैंक यू कर देंगे कि ठीक है, कोई किसी न किसी तरह से कैसे ना कैसे हेल्प करे, जो जिसके पास जो है वैसे ही हेल्प करे। किसी के पास धन से है, किसी के पास ज्ञान से है, किसी के पास किसी चीज़ की नॉलेज से है, तो अगर किसी की भी हेल्प किसी भी तरीके से की जा सकती है तो सभी सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी, आपने आज अपना कीमती समय दिया, और हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो हालांकि टेस्टिमनी की जरूरत नहीं होती है, ज्ञान अपने आप में प्रकाशित होता है और शोर मचा के बताता है कि वो सिद्ध है, लेकिन फिर भी कई बार कहते हैं ना कि चमत्कार को नमस्कार है, तो इसलिए पूछ लेना चाहिए, बता देना चाहिए। तो इसलिए हमने योगेश जी से ये बात पूछी और आपके सामने बात रखी है। तो उम्मीद करते हैं ये कार्यक्रम आपको काफ़ी बेहतर अच्छे से आ रहा होगा। और सारे वीडियोस 1 तारीख के जन्म से लेकर आज 14 तारीख के जन्म तक के सारे वीडियोस आपको अवेलेबल होंगे, यानी कि आप 1 तारीख को पैदा हुए, 2 को 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और मंथ कोई भी हो, तो एक